अगर आप मूवीज वगैरह में बड़ी बड़ी हाईली प्लान्ड चोरियां देखने के शौकीन हैं, तब तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही है। क्योंकि जिन रॉबरीज की हम बात करने जा रहे हैं वो कोई मनगढ़ंत कहानियां नहीं है, बल्कि असल में हुई दुनिया की सबसे बड़ी डकैती है। और सभी डकैतियों की कहानी अपने आप में हैरान करने वाली है, इसलिए आज हम आपको इतिहास में हुई सबसे बड़ी रॉबरीज के बारे में बताने वाले हैं, जो आपको हैरान करके रख देंगी। और हाँ, इस वीडियो को एकदम लास्ट तक जरूर देखना ताकि आप कोई भी पार्ट मिस ना कर सकें। दोस्तों, ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए इस लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर साथ वाली घंटी पर क्लिक करके ऑल का ऑप्शन जरूर सेलेक्ट कर लेना। एंट रैप डायमंड हेस्ट। सबसे पहले हम आपको इतिहास की उस चोरी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने सभी को हैरान करके रख दिया, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि 100 मिलियन डॉलर के डायमंड चोरी हुए थे। हम आपको बता दें, असल में ये चोरी नीस के एंटवर्प डायमंड सेंटर में हुई, जहां पर अरबों के डायमंड रखे जाते हैं, और इसी वजह से इस जगह की सिक्योरिटी भी बिल्कुल लाजवाब थी, जहाँ कोई चोरी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन सन 2003 के बाद सारा खेल पलट गया, क्योंकि तब यहाँ पर एक गैंग आया और एक ही बार में 100 मिलियन डॉलर के हीरे लेकर चला गया। इस पूरी रॉबरी का मास्टरमाइंड लियोनार्डो नोटार बार्टोलो था, और इसी ने पूरी रॉबरी को प्लान किया था। लेकिन इसका ऐसा कुछ भी कहना नहीं था। इसने बोला कि किसी अनजान इंसान ने इसे इस रॉबरी को अंजाम देने के लिए पैसे दिए थे, यानी इसने इस रॉबरी के मास्टरमाइंड होने से साफ मना कर दिया। इसने पुलिस को बताया कि जिस इंसान ने इसे इस रॉबरी के लिए हायर किया था, उसने सबसे पहले लियोनार्डो को पूरे सिक्योरिटी सिस्टम की फोटोज खींचने को कहा। यहाँ तक कि लियोनार्डो का ये भी कहना है कि उसी अनजान इंसान ने उनके पास कुछ लोगों की पूरी गैंग भेजी थी, जो अपने अपने काम में माहिर थे, और इन्होंने पूरी चोरी को अंजाम दिया। इस रॉबरी में इन लोगों ने हर एक सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देकर इस रॉबरी को अंजाम दिया। बस एक जगह इन लोगों से गड़बड़ हो गई थी। असल में इनकी गैंग का एक मेंबर जिसका नाम टवानो था, उसको कार में चोरी का सामान लोड करते वक्त पैनिक अटैक आ गया, जिस कारण वो काफी ज्यादा घबरा गया और चीजें खराब करने लगा, जिस वजह से कुछ सबूत वहीं रह गए। ये गैंग मेंबर लियोनार्डो का बहुत अच्छा दोस्त भी था, जिसके बाद एक और बात पता चली। उस टाइम सभी अलार्म सिस्टम चल रहे थे, और जब मंडे मॉर्निंग को सिक्योरिटी ने आकर ये देखा कि कई सारे डायमंड बॉक्सेस खाली है, तो उन्होंने तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म किया, और पुलिस ने पूरी तहकीकात की, जिसके बाद लियोनार्डो का पता चला, और फिर उसे 10 साल के लिए हिरासत में भेज दिया गया। लियोनार्डो बार बार ये कह रहा था कि वो मास्टरमाइंड नहीं है, उसने सिर्फ फोटोज क्लिक किए हैं। हालांकि लियोनार्डो की इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि ये बहुत बड़े मास्टरमाइंड है, और पैसे का भी अभी तक कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो कहाँ है। पुलिस भी सोच में पड़ी है कि आखिर वो अनजान इंसान कौन था जिसने इतनी बड़ी चोरी करवाई। 500 मिलियन डॉलर साइबर हेस्ट। इसकी शुरुआत सन 2009 से होती है, जब करीब 30 देशों में 100 से ज्यादा बैंक्स लूटे गए, जिसमें न सिर्फ बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर किए गए, बल्कि एटीएम मशीन को भी हैक करके काफी महंगी रकम लूटी गई। और ये सभी कुछ संभव हो पाया एक हैकिंग सिस्टम से, जिसका नाम स्पाई आया था। हैकर्स ने सबसे पहले रशियन बैंक को अपना शिकार बनाया, इसके बाद जर्मनी, चाइना और यूएसए जैसे कई देशों को शिकार बनाकर अरबों रुपए लूटे गए। हालांकि ये लोग साइबर क्राइम के जरिए चोरी करते थे, और पहले तो इन्हें नहीं पकड़ा जा सका, लेकिन 2014 में अलेक्जेंडर नाम के एक लड़के को पकड़ा गया, जिसने स्पाई आई हैकिंग सिस्टम को बनाया था। हालांकि इसने अपनी हैकिंग की सारी पढ़ाई ऑनलाइन ही की थी, और ऑनलाइन पढ़ाई करते करते इसने एक हैकिंग सिस्टम को बनाने की सोची। उसी के साथ इस वायरस का को फाउंडर, जिसका नाम हमजा था, जिनकी उम्र 24 साल की थी, उसे भी पुलिस ने अरेस्ट किया। और जहां अलेक्जेंडर ने ये वायरस बनाया था, वहीं हमजा इस वायरस को लोगों को बेचने का काम करता था, जो इस वायरस की मार्केटिंग करता था। इस वायरस के जरिए इन लोगों ने अकेले ही कई मिलियन डॉलर कमाए। उसके साथ ही जिन लोगों को इन्होंने ये हैकिंग सिस्टम बेचा, उन्होंने भी काफी उत्पात मचाया, और करीब 1 बिलियन डॉलर तक का पैसा इस वायरस के जरिए लूटा गया। अब हम इतनी देर से इस वायरस की बात कर रहे हैं, और हम आपको ये भी बता दें कि ये वायरस काम कैसे करता है। सबसे पहले आप ये जान लो कि ये वायरस लोगों के कंप्यूटर में जाकर बैठ जाता है, और फिर उनकी सभी पर्सनल डिटेल्स को कैप्चर करता है। जिस शख्स ने वायरस डाला होता है, वो सभी डिटेल ले लेता है, जिसमें बैंक डिटेल्स के साथ साथ पर्सनल डिटेल भी मौजूद होती है। और इन्हीं सब चीजों की बदौलत लोग दूसरों के बैंक अकाउंट से पैसे ट्रांसफर करते हैं, और एक ऐसे बैंक अकाउंट में डालते हैं जिसको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है। ये सब चीजें आज के टाइम में बहुत ज्यादा सक्रिय हैं, और अभी भी ये चीजें हो रही है, जहां पर कई सारे ऐसे वायरस मौजूद हैं जिनको ट्रेस कर पाना बहुत मुश्किल है, और लोग इन्हीं वायरस के जरिए लोगों की पर्सनल डिटेल लेकर अच्छा खासा पैसा लूटते हैं। हालांकि इसे रोकने के लिए गवर्नमेंट को बहुत ही बेहतरीन टीम बनानी पड़ेगी,
जिसमें इन्हें एक से बढ़कर एक हैकर्स रखने पड़ेंगे, तभी इन लोगों को ट्रेस किया जा सकता है जो ये काम करते हैं। ब्राजीलियन बैंक रोबर्स। अब आप एक और शानदार रॉबरी के बारे में सुनिए, जहां पर सन 2017 में ब्राजीलियन पुलिस ने करीब 16 लोगों को $318 मिलियन के साथ पकड़ा। ये सभी चोर पकड़ तो लिए गए, लेकिन इनके चोरी करने का तरीका जब आप सुनेंगे तो आप सोच में पड़ जाएंगे कि आखिर लोगों के पास इतना दिमाग आता कहां से है? क्योंकि अगर इन लोगों को न पकड़ा गया होता तो ये देश की सबसे बड़ी रॉबरी होती। इस घटना के बारे में पुलिस बताती है कि चोरों ने रॉबरी से करीब 4 महीने पहले ही टनल खोदना शुरू कर दिया था। इस ग्रुप में हर तरह के लोग मौजूद थे जो अपने अपने अलग अलग दिमाग के साथ इस चोरी को अंजाम देने के लिए तैयार थे। इसमें एक 35 वर्षीय शख्स भी था जिसने इस पूरी चोरी को प्लान किया था और वही इस चोरी का मास्टरमाइंड भी था। इन सभी ग्रुप मेंबर्स ने इस चोरी को अंजाम देने के लिए जो टनल बनाया था उसे इन्होंने अपने हाथों से ही खोदा था। हाँ, ये बात बहुत ही ज्यादा हैरान करने वाली है कि हाथों से इतना बड़ा टनल कैसे खोदा जा सकता है, लेकिन अब जब लोगों को इतना लंबा हाथ मारना हो तो हाथ पैर तो चलाने ही पड़ेंगे, फिर चाहे वो खुदाई करने के लिए ही क्यों ना चलाने पड़े। और यही करके इन्होंने ये टनल बनाया जिसके अंदर जाने के लिए इन्होंने 2 मीटर लंबी सीढ़ी का इस्तेमाल किया और इस टनल के जरिए ही ये लोग बैंक के मेन लॉकर रूम तक जाने वाले थे, जहां तक सुरंग बनाने के लिए इन्हें बहुत सारा काम करना था और इसीलिए ये लोग शिफ्ट में काम किया करते थे, जहां हर एक व्यक्ति 8 से 10 घंटे खुदाई के काम में लगा रहता था और सभी लोग हफ्ते में एक दिन की छुट्टी भी लेते ताकि किसी का भी मोटिवेशन लो ना हो और ये लगातार काम करते रहे। इस पूरे टनल के अंदर इन्होंने सभी जरूरतों की चीजें स्टोर करके रखी थी, फिर चाहे वो खाना हो, कपड़े हो या अन्य कोई चीजें। ये उसी टनल में अपना अधिकतर समय बिताते थे, यहाँ तक कि इन लोगों ने इसके अंदर लाइटिंग की भी व्यवस्था कर रखी थी। अब आप खुद सोचिए कि लोग कितनी शिद्दत से चोरी करना चाह रहे थे। जिस टनल को इन्होंने बनाया वो एक घर की तरह बनता चला गया, जहां पर इन्होंने सभी फैसिलिटीज मुहैया करा रखी थी और अंत में इन लोगों ने चोरी को अंजाम दिया। लेकिन बदकिस्मती से ये सभी लोग पैसों के साथ पकड़े गए और सभी को सजा दी गई। लेकिन पुलिस ने ये चीज इन लोगों के बारे में कही थी कि वाकई इन लोगों के दिमाग बहुत तेज है, क्योंकि जिस टनल के रास्ते से इन्होंने चोरी करने का प्लान बनाया उस टनल को इन्होंने बहुत ही एडवांस तरीके से तैयार किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपने हाथों से, और ये बात काबिले तारीफ है। फ्रांस हेस्ट ऑफ द सेंचुरी। अच्छा, क्या आपने कभी सुना है कि किसी क्रिमिनल की चोरी उसकी लिखी बुक के जरिए पकड़ी गई? अगर नहीं सुना तो मिलिए फ्रेंच गैंगस्टर जैकस कासांड्री से, जिन्होंने अपने बुक में फ्रांस में हुई $35 मिलियन की चोरी का जिक्र किया। और इस बुक के पब्लिश होने के बाद हर जगह इस बात का तहलका मच गया, क्योंकि ये चोरी वाकई फ्रांस में हुई थी और इस बुक में इन्होंने ये जिक्र किया था कि ये सेंचुरी की सबसे बड़ी चोरी के मास्टरमाइंड थे। और इनके यही शब्द लोगों को सोचने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि ये कोई सीधे साधे इंसान नहीं है और ना ही कोई राइटर है जो इस तरह की मनगढ़ंत कहानी बनाकर लोगों के मनोरंजन का इंतजाम करेंगे। ये एक जाने माने गैंगस्टर है जो कई बार अपने कारनामों से जेल जा चुके हैं। कितनी बार तो उन्हें ड्रग्स की सप्लाई करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। 1967 में फ्रांस की सोसाइटी जनरल बैंक में एक गैंग ने चोरी की, जिसमें इन्होंने $35 मिलियन की रॉबरी को अंजाम दिया, जिसमें इस गैंग ने टनल के जरिए बैंक के बेसमेंट में एंटर किया और फिर वहां से इन्होंने कई तरह के सिक्योरिटी सिस्टम को चकमा देते हुए करोड़ों की चोरी को अंजाम दिया। और जब इन्होंने इस बुक में इस चीज का जिक्र किया तो इनके ऊपर केस शुरू हो गया, जहां पर वहां की गवर्नमेंट इनसे इस क्राइम को मान लेने के लिए कह रही थी। लेकिन इनके लॉयर ने बोला कि एक बुक के बेसिस पर किसी को क्रिमिनल घोषित नहीं किया जा सकता। वैसे आपको क्या लगता है, क्या एक बुक के आधार पर इन्हें गिरफ्तार कर लेना चाहिए? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देना। $1 मिलियन फार्मेसी रॉबरी। अब तक आप लोगों ने तरह तरह की चोरियों के बारे में सुना, जिसमें से कुछ साइबर क्राइम थी, कुछ बैंक रॉबरी। लेकिन अब आप एक ऐसी रॉबरी के बारे में सुनिए जो शायद ही आप लोगों ने कभी सुनी होगी, क्योंकि इस रॉबरी में रोबर्स ने डायरेक्ट पैसे या फिर कोई दूसरे आभूषण नहीं उठाए, बल्कि यहाँ पर चोरी हुई मेडिसिन की। जी हाँ, अब ये बात तो हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि मेडिसिन फील्ड में बहुत ही ज्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन तब क्या हो जब चोर ही उस प्रॉफिट का पैसा कमाने के लिए मेडिसिन चोरी करके ले जाए। ये रॉबरी टेक्सास में सन 2016 में हुई, जहां पर रॉबर्स का एक गैंग फार्मास्यूटिकल स्टोर में जाकर रॉबरी करता है, जहां पर सबसे पहले तो वो स्टोर में काम करने वाले लोगों को बंदी बना लेते हैं और फिर काले कपड़ों और मास्क से ढके ये लोग हर महंगी दवाई को उठाकर अपने बैग्स में डालने लगते हैं। जो लोग उस टाइम स्टोर के अंदर बंदी बने थे उन्होंने ये बताया कि ये लोग किसी को भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते थे, इनका असली मकसद चोरी करने का था, जो कि आप इस सीसीटीवी कैमरे में साफ देख सकते हैं कि कैसे ये लोग लॉकर को भी तोड़कर उससे निकलने वाला हर एक सामान को ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। और अंत में इन लोगों ने
घंटों इस चोरी को अंजाम दिया, जिसके बाद इन्होंने इस जगह से करीब $1 मिलियन की मेडिसिन उठा ली। और हाँ, इन चोरों ने चोरी करने का दिन भी बहुत खास चुना, जिसमें इन्होंने दिसंबर 31 की नाइट को इस चोरी को अंजाम दिया। और ये इतिहास की सबसे बड़ी चोरी है जो मेडिसिन फील्ड में हुई। अब कहां किसी ने सोचा था कि लोग पैसे कमाने के लिए इस तरह का भी दिमाग लगा सकते हैं। आपको इनमें से सबसे मजेदार रॉबरी कौन सी लगी, उसके बारे में कमेंट में बताना जरूर। साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो लगातार देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।